समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर प्रयागराज में साधु संतों ने गहरी नाराजगी जताई है। माघ मेले में आयोजित संत सम्मेलन में इस विषय पर बोलते हुए साधु संतों ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि नष्ट हो गई है और उन्होंने केवल राजनैतिक तुष्टिकरण के लिए यह बकवास वाला बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्या तो राष्ट्र नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्या की आवाज तो राष्ट्र की आवाज नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्या तो न खुदा ही मिला न वसाले सनम के ज्वलंत उदाहरण हुए, क्योंकि वो भाजपा छोड़ करके चले गए थे सपा में, और जब सपा में चले गए वहाँ भी कुछ नहीं स्वीकार, गवर्नमेंट उन्होंने ख्वाब देखा था कि सरकार बन जाएगी और हमको फिर मलाई खाने को मिलेगी, इस लोभ में गए थे। ऐसे लोभी व्यक्ति जब कुछ बातें बोलते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई कैसे व्यवहार विश्वास कर सकता है। स्वामी प्रसाद उस व्यक्ति की बात का विश्वास भारतवर्ष में किया जाता है जो भ्रम प्रमाद लिप्सा और कर्णापाटो माने कर्म में अपाटो माने अकुशल जो हैं, इन दोषों से रहित, जो भ्रम से रहित है, जो प्रमाद से रहित है, जो लिप्सा मतलब लोभ से रहित है, ऐसे व्यक्ति की कही हुई बातों का हम विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई प्रमत्त प्रलाप करता रहे, कोई विधवा विलाप करता रहे, कोई पागल हो जाए तो किसी व्यक्ति के पागल व्यक्ति के कहने पर रामचरितमानस पर बैन लगा दिया जाएगा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर लगा दिया जाएगा। माफी मांगनी चाहिए, अरे वो माफी मांगने के लायक बुद्धि शुद्ध हो उनकी पहले, तब ना माफी मांगेंगे। पहले उनकी बुद्धि शुद्ध हो जिससे कि वो माफी मांगने की मानसिकता से युक्त हो, तब ना माफी मांगेंगे। जब तक बुद्धि नहीं शुद्ध होगी तब तक वो माफी कहाँ से मांगेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि दुर्जनों की बुद्धि शुद्ध हो, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो। संत सम्मेलन में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री से जुड़े विवाद पर साधु संतों ने उनका समर्थन करते हुए कहा है कि उनके पास साधना और कला का संयोजन है जिसे पाखंड नहीं कहना चाहिए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने आदिवासी इलाकों में मुस्लिम और मिशन द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को रोका है, इसलिए उनके खिलाफ यह षड्यंत्र किया जा रहा है। जो कला है ये तो विद्या है, ये तो आज भी अभी आज तक में ही आप सब लोगों ने देखा होगा, माइंड रीडर व्यक्ति ने सारी चीज़ें कह दिया, श्वेता सिंह के मन में कह दिया कि तुम्हारे मन में क्या है, तुमने मन में सोचा था कि मैं इनसे प्रश्न करूँ क्या करूँ, मैं इनसे क्या प्रश्न करूँ, यही लिख करके दिया था ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तो एक मस्तिष्क तंतुओं को तीव्र करके मस्तिष्क की जो पद्धति है चिंतन करने की, उसको विकसित करने की और एकाग्रता के माध्यम से उसमें साधना जब जुड़ जाती है तो चार चांद लग जाता है। बस समस्या ये है, कोई दैवी शक्ति है, दैवी शक्तियाँ तो होती हैं, मैंने तो दैवी शक्तियों की मीटिंग होते हुए देखा है। मैंने तो फरीदाबाद में सिद्धदाता आश्रम है, वहाँ सुदर्शनाचार्य जी थे, रात को 11 बजे से 2 बजे तक मैंने शक्तियों की मीटिंगें देखी हैं, और ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर काली का आवाहन कर दिया, परमा नाम की एक पंजाबिन थी, काली का भद्र मरघटी काली का आवाहन कर दिया उन्होंने, और उसी समय हा करने लगी, उसकी जीभ यहाँ तक आ गई। ये तो मैंने खुद अपनी आँख से देखा है। आप समर्थन में, आप लोग सम्मेलन में जो हुआ है, समर्थन की बात नहीं, प्रश्न यहाँ यह है कि जो ईसाई मिशनरियाँ लोगों को प्रलोभन दे करके ईसाई बना रही हैं, वंचित और दलित लोगों को ईसाई बना रही हैं, ऐसे लोगों का चक्का जाम कर दिया है बागेश्वर धाम के बाबा ने, और उनके चमत्कार से वो जनता प्रभावित होकर के घर वापसी करने लग गई है, और सुल्ताना जो हैं वो सूफी बन गई हैं, इसलिए लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या बागेश्वर धाम के चमत्कार होता है या नहीं होता यह प्रश्न नहीं है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है भारतवर्ष को मुसलमानों की संख्या से भरपूर करना, ज्यादा वोट बैंक बनाना, स्वयं 5 बीबियां 25 बच्चे पैदा करना, ऊपर से रेडीमेड मोहम्मदनों को बुला लेना पूर्वी बंगाल से, चाहे रोहिंग्या से, चाहे उइगर के, वो रेडीमेड भी मोहम्मदन आ जाते हैं देश में, और हमारे सफेदपोश नेता लोग जो हैं उनका वोटर कार्ड बनाना प्रारंभ
आरंभ कर देते हैं। इसलिए भगवान राम ने सोचा था कि रावण का वध तो मैं बाद में करूंगा, पहले बाली का वध किया जाए, क्योंकि बाली ने रावण से दोस्ती कर रखी है। इसीलिए रावण आतंकवादियों की खेप भारत में घुसेड़ रहा है, नहीं बिना बाली की इच्छा के मजाल था रावण का कि हाँ भारतवर्ष में कोई आतंकवादी आ जाता। ठीक है।